ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੁਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉਹੀ ਜਗ ਫਾਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉਹੀ ਜਗ ਫਾਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨਿਰੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन बचना नू इस चैनल दे माध्यम दे राही सरवण कीता है जी। सो आओ साध संग जो असी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणा कमलों का ओट आसरा लईए, क्योंकि पातशाह जी बाणी विच अनेक ही जगह ये उदाहरण दे के समझा रहे हैं, हर चरण सरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो, पूजा गह कूप ते काढ लेवो। भाई जदों तू सरण विच परमात्मा दी आवेगा, सरण तू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी लवेगा, ओट आसरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा तकेगा, ते सच जान लई तेरा ये जेड़ा पंज पूतक शरीर तैनू परमात्मा वालों मिलिया है, ये तेरा शरीर सफला हो जाएगा। क्योंकि इंसान संसार विच आके उस परमात्मा नू विसर जाता है, इंसान परमात्मा नू भुला दिंदा है, भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ा सोहना फरमान करदे ने, चरण सरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आ गए होए ले तै, भावनी भगत पाए कोडी अगर भाग राखै, ताहे गुरु सर्ब निदान दान देत है। भाई जदों तू भावना लैके गुरु दे दर ते आ गया ना, तेरी भावना दे सदके तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये जरूर नहीं है कि गुरु अगे असी डालर ही रखे मत्था टेकने, जा रुपये रख के मत्था टेकने, जा कोई एहो जी सुगात लै जा के मत्था टेकांगे ताई गुरु पातशाह जी साडे ते प्रसन्न होणगे। नहीं, सतसंग जो इत्थे लोड़ है भावना दी, इत्थे लोड़ है प्यार दी। इतिहास विच कथन आउंदा है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा, आनंदपुर साहिब दी धरती ते दीवान सजिया होया है। सतसंग जो गुरु पातशाह जी संगतां नू दर्शन दिदारे देकर निहाल कर रहे हन, संगतां आ रही हन दूरों दूरों, सतसंग जो कोई माया रख रहा है, कोई फल फ्रूट रखता है, कोई होर पदार्थ रखता है, भाव सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अगे पदार्थां दे ढेर लगे हुए हैं। एक गरीब सिख एक निमाणा जा सिख सतसंग जो जेड़ा घरों बड़े प्यार अते भावना नू लै के गुरु दे दर ते आया है, ते सतसंग जो अपने पल्लू दे नाल पुरातन समां दे विच ना जो कोई गल विच परना पाया होना, उस पल्ले नाल ही पुरातन समां दे विच लोकी ज़्यादातर पैसे माया आदिक जो भी कीमती वस्तु होंदी सी बन लेंदे सन। ते सतसंग जो जदों गुरु पातशाह जी दे दीवान विच पुजदा है, सतसंग जो भाई गरीबो अगे वेखदा है कि गुरु पातशाह जी दे सामने ते चार पदार्थां दा ढेर लग्या होया है, किते माया है, किते पदार्थ हन, किते सोना, किते चांदी। मन विच ख्याल आउंदा है मना तू एक टका लैके गुरु दे दर ते आया हाँ, ये टका किवें गुरु तेरे प्रवान करेगा। भावना देखो सतसंग जो गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये हकीकत है, साच कहूँ सुन ले हो सबै,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सतगुरु गुरु पातशाह जी प्रमाण करदे ने भाई जिन्हां ने परमात्मा नूं सचमुच प्यार कीता है ते परमात्मा भी फिर उन्हां नूं भाग ला दिंदा है। मन विच ख्याल आउंदा है मना तेरा इस टके दा की मुल पैना है, तेरा हासा होना है, इस करके साध संगत जो ओ भाई गरीबो पिछे ही संगत विच बैठ जांदा है। लेकिन गुरु जानी जान, सतगुर पातशाह जी जानी जान, आप अज संगतां नूं बेनती करदे ने भाई जे कोई गुरु दा प्यारा गुरु दे दर ते सेवा लैके पुज्जिया है ते ओ अपनी सेवा भेट कर सकदा है। गुरु पातशाह जी जदों ये हुक्म करदे ने लेकिन ओ सिख नहीं उठदा, सतसंग जो गुरु पातशाह जी उस दा प्यार वेख के उस दी भावना वेख के आप अपनी झोली अड़ दिंदे हन ते आखदे ने सिक्खा जो तू भेटा लैके आया है तू क्यों नहीं भेट कर रहा गुरु नूं। सतसंग जो ओ गरीब जा सिख सतगुर पातशाह दे चरणा नाल लिपट जांदा है ते बेनती करदा है पातशाह मैं की सेवा कर सकदा सी, मेरे कोल तां ए इक टका जिसदा आप दे दर ते की मुल पैना सी, इस करके मैं पिछे ही संगत विच बैठ गया। गुरु पातशाह जी उत्थे आखदे ने भाई मैनू उस माया दी उन्हां पदार्थां दी लोड़ नहीं, मैनू ते तेरे वर्गे सिखां दी लोड़ है जिन्हां दे अंदर सचमुच ही गुरु दे लई इन्ना प्यार इन्नी भावना है। सो सतसंग जो ये जिहड़े दुनियावी पदार्थ हन ये सिर्फ दुनिया तक ही रह सकदे हन, साडी अगे कोई इन्हां तों असीं उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिहड़ा माया है ये संसार सारा माया रूप है ते इंसान खाली आउंदा है ते खाली उसनू वापस जाना पैंदा है। ताइयो धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अज दे ए पावन बचन जो आप जी ने सरवण कीते हन, आओ सतसंग जो इन्हां पावन बचना दी विचार नाल जुड़िए। अज दे ए पावन अमृतमई बचन 634 ते सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग ते सुभायमान हन। सोरठ महला नौमा, राग सोरठ दे विच सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज साडे कलयुगी जीवां ते बख्शिशां करदे होए सानू समझा रहे न। प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फादेओ, को काहू को नाही। गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फादेओ, को काहू को नाही। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। हे मित्र अपने मन विच ये गल पक्की करके समझ लै कि सारा संसार अपने सुखां नाल ही बुझिया होया है, कोई भी किसे दा तोड़ निभण वाला साथी नहीं ते ना कोई बनदा। असी अपनी माया ते धन ते पुत्रां ते धीआं ते बड़ा माण करदे हां, लेकिन गुरु पातशाह जी ने इत्थे स्पष्ट कर दिता भाई कोई तेरा तोर साथ निभण वाला संसार विच नहीं, जे कोई है ते ओ है परमात्मा दा नाम। रहाव सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौहू दिस घेरे, बेपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे। ऐथे गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने सुख में आन बहुत मिल बैठत,
रहत चहु दिसके रह विपत परी सवि संग छाड़त को न आवत नेरै। हे मेरे मित्रों, जदों मनुख सुख विच हुंदा है तदों कई जार दोस्त मिल के उस दे पास हर वेले बैठे रहिंदे हन, चार छपेरे उसनू घेर के रखदे हन, चौं पासी घेरी रखदे हन, पर जदों उसनू कोई मुसीबत आ बनदी है ओ सारे ही साथ छड़ जांदे हन, फिर कोई भी उस दे नेड़े नहीं ढुकदा, क्योंकि पता है पता नहीं इसने कदों साढ़े तो कोई मंग कर देनी है। जदों सुख सी उदों सारे उस दे नाल सन, जदों बिपता बनी ते सारे उसका साथ छड़ जांदे हन। ताइयों गुरु पातशाह जी फरमान करदन, बिपत परी सभी संग छाड़त को ना आवत नेरै। लेकिन इको एक परमात्मा है, भावें तेरे कोल सुख है भावें तेरे कोल दुख है, लेकिन परमात्मा तेरा साथ कदे नहीं छड़दा। घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। सतगुर पातशाह जी दे पावन बचन, घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। हे मेरे मित्रो, घर दी स्त्री भी जिस नाल बड़ा प्यार करती है ते प्यार हुंदा है, जेड़ी सदा खसम दे नाल लगी रहिंदी है, जिस ही वेले पति दा जीव आत्मा इस शरीर नू छड़ देंदा है ते स्त्री उस तो ये आख के परे हट जाती है कि ये हुण मर चुकिया है, मर चुकिया है, भाव हुण उस तो उसनू भय लगता है ते डर लगता है, क्योंकि सतगुर पातशाह जी फरमान करते हैं, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। भाव जिहड़ी हर वेले स्त्री साढ़े दुख का सुख का संग करती है, लेकिन जदों अंत समा आउंदा है ते ओ भी सानू छड़ देंदी है। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को कामनायो। गुरु तेग बहादुर साहब मोर ला के बाणी विच प्रमाण करदे ने, भाई ए ते विधी दा विधान है, ए बिद को व्यवहार बनियो है जासियो नेहो लगायो, भाव ए विधि दा विधान है, जिस नाल प्यार तू करदा है ओ तैनू एक ना एक दिन छड़ के जाना पवेगा। हे नानक आख, हे मेरे मित्र, दुनिया दा इस तरह दा वरतारा बनिया होया है जिस नाल मनुख ने प्यार पाया होया है, पर हे मेरे मित्र, आखिरले समय परमात्मा तो बिना और कोई भी मनुख दी मदद नहीं कर सकदा। परमात्मा दा एक नाम है जिहड़ा हर वेले साडे अंग संग रहिंदा है, भावें जीवन होवे ते भावें जीवन तो बाद मृत्यु भी हो जावे, लेकिन परमात्मा दा नाम, जिन्हां ने जिउंदियां दी परमात्मा दे नाम दी संभाल कीती, परमात्मा उन्हां दा अंग संग आप वेड़ा पार कराउंदा है, ते भाव ओ हमेशा ही जीवन दे विच भी जिउंदियां जियां भी माण पाउंदे हन, ते सतसंग जो उस तुर दरगाह दे विच भी उन्हां नू कोई रेरे दरगह कहे ना को आओ बैठ आदर सुबदेऊ पाव, उन्हां नू कोई उत्थे रेरे कहन वाला भी नहीं हुंदा, उन्हां नू माण सम्मान सत्कार दिता जांदा है जिन्हां ने इस मात लोक विच आके परमात्मा वाहिगुरु का सिमरन किया है। साध संग जो असी भी परमात्मा वाहिगुरु जी के सिमरन नाल जुड़िए, ताकि गुरु पातशाह जी साढ़े ते मेहर करन, जिमें बाणी विच फरमान आउंदा है, गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई, जिन तृण धर मूंड बलाए
हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हूँ बिनस जाए झूठी देही मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह जोजन छत्र चलेथा देही गिरज न खाई सर्व सुन की लंका होती रावण से अदकाई कहाँ पयो दर बांधे हाथी खिन में पही पराई दुर्वासा से करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देओ हर गुण गाए पाव गुरु पातशाह जी स्पष्ट करके बाणी विच समझाउंदे ने भाई कृपा उहनां ते ही हुंदी है जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लिया है परमात्मा दे नाम दी संभाल कीती है सो सतसंग जो असी भी इन्हां पावन वचनां नूं अपने जीवन दा आधार बना लीए तां कि गुरु पातशाह जी साडे ते भी मेहर करन बख्शिश करन साडा ए लोक ते परलोक दोने ही सवार देन सो सतसंग जो आप जी वड्डे भागां वाले हो आप जी ने अज दे पावन मुखवाग दी विचार नाल सांझ कीती है विचारां करदियां बेअंत भुलां गलतियां दासा पासों हो गईयां होणगियां गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है जी सतसंग जो किसे माई भाई ने दास नाल कोई भी विचार सांझ करनी होवे तां इह दास दा इंडिया दा नंबर है जी 8750 10 63 75 सतसंग जो आप जी इस नंबर ते दास नाल संपर्क कर सकते हो कई वीरां दा मातावां दा फोन आउंदा है दास नूं बड़ा चंगा लगता है सो किसी ने भी सतसंग जो किसी भी तरह की विचार करनी होवे तां दास नाल आप जी कर सकते हो जी बुलाओ जी फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।